यस, चलिए आज अपनी एक और स्टूडेंट से मिलवाता हूँ जिसकी ऑल इंडिया रैंक 83 है और किरण नाम है बच्ची का। और किरण के साथ में पहले कुछ चीज बताना चाहता हूँ। किरण, सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और किरण की सिस्टर ऑलरेडी NIT सूरतकल में जो लास्ट ईयर सिलेक्ट हुई थी। तो कई बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूँ कि घर में कोई एक इंसान अगर कहीं कुछ अच्छा अचीव कर लेता है तो पीछे की जनरेशन को प्रॉब्लम नहीं होती। तो किरण के साथ भी यही हुआ, उसको कोई कंफ्यूजन नहीं था कि MCA को लेके MCA नहीं करना, पहली बात पढ़ाई कैसे करना है, क्योंकि सिस्टर ऑलरेडी NIT सूरतकल में थी जिसकी लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 50 थी। तो एक गाइडेंस प्रॉपर था। फिर किरण ने ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करा, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करा और उसके बाद प्रिपरेशन की। तो किरण, सबसे पहले आपको इस रैंक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो मैं चाहूंगा कि आप, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, जैसे आज आपके पास कोई मोटिवेशन था ऑलरेडी और सब कुछ पता था, इसलिए आपकी लाइफ में कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ, फिर भी आपको क्या लगता है आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है, मैं चाहूंगा कि आप बताएं, क्योंकि वो जूनियर जब सुनेंगे तो कहीं ना कहीं उनको फर्क पड़ेगा और कोई एक ये स्टेप लेता है ना तो बाद की जनरेशन सब ठीक हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम मुरादाबाद UP एंड आई हैव डन माय BSc कंप्यूटर साइंस ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। मैंने सेकेंड ईयर में सोच लिया था कि मुझे BSc सेकेंड ईयर में सोच लिया था कि मुझे MCA करना है, बट तो मैंने मतलब सेकेंड ईयर के एंड में मैंने बेसिक्स पढ़ने शुरू कर दिए थे। बट फिर NIMCET 2019 में मेरी बड़ी सिस्टर की सिमरन की 50 रैंक आ गई थी, तो फिर उसने मुझे बताया कि अगर मतलब पेशेंस, डिसिप्लिन और हार्डवर्क मतलब तुम एंड तक मेंटेन रख सकती हो तो मतलब बिना कोचिंग के भी क्रैक कर सकती हो तुम NIMCET। तो फिर मैं मतलब उसी ने गाइड करा मुझे कि कैसे कैसे पढ़ना है, और मतलब बुक भी उसने रिकमेंड करी कि RD शर्मा ऑब्जेक्टिव से कर लो। तो फिर मैंने फाइनल ईयर से ही मतलब उसके मटेरियल से और बाकी RD शर्मा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी शुरू कर दी थी। तो फिर मतलब मेरी सिस्टर पुनीत मतलब वो भी मेरे साथ, मतलब हम दोनों ने साथ में तैयारी करी थी, तो फिर दोनों का मतलब दो लोग का एक साथ मतलब तैयारी करने से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ गया। और फिर मतलब लेकिन हम मतलब मेरे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो गए थे, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा था कि क्राउड में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो तुम। तो फिर मैंने मतलब सर्च करा, टेस्ट सीरीज का देखा, तो इम्पीटस गुरुकुल की काफ़ी अच्छी लगी मुझे, तो फिर मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली इम्पीटस गुरुकुल की। बट फिर मतलब टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके मुझे मतलब पेपर को कैसे अप्रोच करना है वो पता लगा। मतलब सर ने, शरद सर ने बताया कि मतलब जैसे मैं पहले करती थी कि पहले सारे क्वेश्चंस को मैं मेथड से सॉल्व करती थी, तो फिर मतलब मेरा स्कोर नहीं आ पाता था प्रॉपर। तो बट सर ने बताया कि कुछ मतलब जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुम ऑप्शन से ही कर सकते हो सॉल्व, और कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें तो पूरी पूरी कैलकुलेशन ही नहीं करनी होती है, मतलब केवल तुम यूनिट डिजिट से ही बता देते हो कि हाँ ये आंसर होगा इसका। बाकी जैसे कि पहले इजी क्वेश्चंस पिक करने होते हैं फिर टफ पे जाना होता है, तो ये सब ये ट्रिक्स वगैरह मुझे नहीं पता थी, मतलब मेरा स्कोर जिसकी वजह से नहीं आ पा रहा था। बट सर ने काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा, काफ़ी सर ने सपोर्ट करा और काफ़ी सर ने हेल्प करी, और बाकी प्रतीक सर ने भी बताया कि पेपर को कैसे एनालाइज करना होता है, मतलब ये सब कुछ मुझे नहीं पता था पहले। तो मतलब मैंने वैसे टेस्ट सीरीज ही बाई करी थी, बट ऐसा लगा कि मैं मतलब कोचिंग का ही पार्ट थी एक तरीके से, ऐसा लगा। एक्चुअल में इम्पीटस की टेस्ट सीरीज काफी अलग टेस्ट सीरीज है, वो आपको कभी ऐसा फील नहीं आया होगा ना, क्योंकि उसमें टेस्ट पेपर भी होते हैं, एनालिसिस क्लास भी होती है, तो बच्चों कनेक्ट रहते हैं। फिर बाद में वन मंथ भी आप रेगुलर क्लास आपने अटेंड की, तो ये टेस्ट सीरीज बाकी एंड में वो स्पेशल सेशंस भी आपने प्रोवाइड करे थे, वो भी काफी हेल्पफुल रहे थे। यस, तो देखिए सिमरन, आपने एक बहुत अच्छी रैंक अचीव की, अभी आपको NIT सूरतकल अलॉट ऑलरेडी हो गया है, और NIT सूरतकल बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा प्लेसमेंट होगा, और सबसे खास बात यह कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस वाला आपके साथ हमेशा कोई ना कोई रहा, ये एक प्लस पॉइंट है, कई लोगों को ये नहीं मिल पाता पर आपको ये मिला। एक्यूरेसी भी मतलब मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट रही है, क्योंकि मतलब BHU के साथ ऐसा हुआ था, मतलब मैंने BHU में काफी सिली मिस्टेक्स कर दी थी, तो फिर मतलब मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा गिर गया था, बट फिर मैंने प्रॉपर एनालाइज करा कि कहाँ कहाँ पे गलती करी मैंने, फिर वही सेम मिस्टेक्स मैंने NIMCET में नहीं करी। तो मतलब एक्यूरेसी भी काफी इम्पोर्टेंट है, जैसे कोई अगर एक बच्चा 30 क्वेश्चंस करके एक आधा गलत कर रहा है
और वही कोई दूसरा 40 करके 10-15 गलत कर रहा है तो फिर वो बेटर नहीं है. मतलब एक्यूरेसी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स में. देखिए बिल्कुल सही बात बोली आप. सब लोगों को एक बात बोलना चाहूंगा, जैसे किरण ने बोला कि किरण ने सबसे पहले ये देखा कि जब वो सेल्फ स्टडी कर रही थी तो कई जगह पर समझ में नहीं आ रहा था और कहां पर स्कोर कम हो रहा वो समझ नहीं पाई, पर टेस्ट पेपर देने से, टेस्ट पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करने से ये समझ में आया कि हम कहां लैग कर रहे हैं. और बीएचयू के पेपर देने के बाद ये भी समझ में आया कि और क्या क्या चीजों में इंप्रूवमेंट लाना है. मैं हमेशा हर बच्चों को एक ही बात बोलता हूँ कि आपको हर टेस्ट में ये सीखना है कि आप अगले में क्या इंप्रूवमेंट करना है. तो आपने समय रहते हुए जो बीएचयू के टेस्ट में मिस्टेक की थी वो दूर करी और देखो उसका एंड रिजल्ट आपके सामने है. तो यही बात मैं सभी बच्चों को बोलूंगा कि जब आप तैयारी करें तो अपना 100% दें, अपना रेगुलर असेसमेंट करें, अपनी मिस्टेक को पहचानें और ये मिस्टेक कंटिन्यूसली ना करें. तो सिमरन आपकी लाइफ स्टोरी काफी अलग है, सबकी अलग अलग लाइफ स्टोरी होती है. तो ऑल द बेस्ट एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन. अब आप आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करें और ऐसे ही आगे ग्रो करें. थैंक यू. थैंक यू सर. सर मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी अपनी शरद सर को, प्रतीक सर को और अपनी फैमिली फ्रेंड्स जिन्होंने सपोर्ट करा और गाइड करा. थैंक यू. थैंक यू. ऑल द बेस्ट बेटा. थैंक यू सर.